हेलो गाइस, वेलकम टू इट्स इशू चैनल। आज महाराष्ट्र में 10th का रिजल्ट लगने वाला है 1 बजे। तो जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, मैं आज उनको बताने वाली हूँ उनको उनका रिजल्ट कैसे देखना है और कहाँ देखना है, कब देखना है, कौन से वेबसाइट पे देखना है। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप सब बहुत कंफ्यूज होंगे कि अपने सीट नंबर कैसे निकालें, क्या क्या करें। सो आज आप देखते रहिए वीडियो, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। तो आप सब बहुत कंफ्यूज होंगे कि रिज़ल्ट कैसे निकालना है, हमारे पास तो सीट नंबर ही नहीं है, हमको तो स्कूल में सीट नंबर मिला ही नहीं था, स्टेट नंबर दिया ही नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए, एक्चुअली महाराष्ट्र में जो हमारा जो बोर्ड है उन्होंने सीट नंबर बाकी सारे चीज़ें स्कूल को दे चुकी है। अगर आपको स्कूल ने दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको स्कूल ने नहीं दिया है तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सीट नंबर इजीली मिल जाएगा, वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो चेक करना है पर कैसे चेक करेंगे ये सवाल है। तो आप सब टेंशन मत लो, और 12th स्टैंडर्ड के भी जो स्टूडेंट हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे जाके उनको भी ऐसे ही अपना सीट नंबर निकालना है, अपना रिजल्ट चेक करना है। सो प्लीज़ आप लोग भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको एक साइट डालना है और सर्च करना है। तो साइट क्या है, result.mh-ssc.ac.in। आपको वीडियो के नीचे भी दिख रहा होगा, आपको उसको सर्च कर लेना है। आपने सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद एक पोर्टल ओपन होगा। देखिए क्या ओपन हो रहा है, एक वेबसाइट ओपन हो गई है। वो वेबसाइट में क्या दिया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, ठीक है। कि 10वीं माध्यमिक मतलब लिखा है कि 10th का रिजल्ट आने वाला 16/7/2021 को 1 बजे के बाद ये रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो हमें कैसे सीट नंबर निकालना है, पहला तो हमें सीट नंबर लगता है, मम्मी का नाम लगता है रिजल्ट देखने के लिए। मम्मी का नाम हमको पता है बट सीट नंबर हमको नहीं पता है, तो कैसे निकालना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा मेनू, राइट। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो आपको मेनू जैसा ऑप्शन मिलेगा, अगर आप फ़ोन में नहीं दिख रहे हैं तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं। तो मेनू के नीचे क्या लिखा है, सर्च सीट नंबर। तो आपको क्या चीज़, सीट नंबर को सर्च करना है। क्लिक करिए आप इस पर, आपने इस पर क्लिक किया उसमें कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ आएगा पेज, उसमें आपको क्या करना है। अगर आपको दिख रहा होगा तो हमें लिखा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। सो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको वो सर्च कर लेना है यहाँ पे। जैसे कि मैं जिसका सर्च कर रही हूँ वो थाने से है, और तालुका, आपको तालुका सिलेक्ट करना है कि आप कौन से तालुका से हैं। तो मैं जिनका सर्च कर रही हूँ वो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से है, ठीक है, मैंने उनका डाल दिया। अब उनका नाम डालना है, हमको क्या करना है, लास्ट नेम डालो, फर्स्ट नेम डालो, मिडिल नेम डालो, कोई भी नाम डालो बट एक ही एक डालना है हमको, ठीक है। हमको पहला नाम डाल देना है, अगर पहले नाम से नहीं मिल रहा है तो पापा का नाम डाल के देखिए, पापा का नाम डाल के नहीं मिल रहा है, हम लोग देख लेते हैं। पहले पहला नाम हमने डाला, ये देखिए ये पहला नाम हमने देख डाला और सर्च किया, ठीक है। तो आता है कि नहीं, इनका तो आ गया है, बट अब एक हम काम करते हैं, हम ना सरनेम डाल के देखते हैं सरनेम से आता है कि नहीं आता, ठीक है। सर्च किया हमने, सरनेम में बहुत सारा आ गया है, तो हमें देखना है कि इनका कौन सा, तो इनका भी आया हुआ है श्रीवास्तव स्नेहाशु। मतलब आप अपना नाम डालें या सरनेम डालें, अगर सरनेम से भी नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पापा का नाम डाल के देखेंगे। तो हम इनके पापा का नाम डाल के देखते हैं, आपका है कि नहीं इसमें, कि मिल जाएगा। तो फिर से उस वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो लिखा था 16 जुलाई 1 बजे रिजल्ट आने वाला है, उधर पे ही एक लिंक जनरेट होगा, वहाँ पे आपका लिंक जनरेट होगा, वहाँ पे आपको अपना सीट नंबर डालना है, मम्मी का नाम डालना है और चेक रिजल्ट करना है, फिर आपको वहाँ पे अपना रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपने स्कूल से जल्दी कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि
रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।